लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, लाइव टीवी एक्सप्रेस में मैं इमरान आजमी आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बड़ी खबर, प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने दर्ज की बड़ी जीत। सुबह से ही संगम लाल गुप्ता जी लगातार बढ़त बनाए हुए थे और 434,442 वोट पाकर लगभग 118,000 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। 316,633 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे गठबंधन प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी और 76,686 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी रत्ना सिंह। साथ ही 46,516 वोट पाकर अक्षय प्रताप सिंह जी भी चौथे नंबर पर इस लड़ाई में मौजूद रहे। इस जीत के बाद जहां पर विपक्षी खेमे में मायूसी छाई हुई है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ा ही जोश और उल्लास है। भाजपा प्रत्याशी संगम लाल जी के विजय घोषणा से भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से अपने सांसद का जोरदार स्वागत किया। वहीं पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत में संगम लाल गुप्ता जी ने कहा कि ये जीत हमारी नहीं, जनता और कार्यकर्ताओं की जीत है। सबको धन्यवाद कहते हुए सांसद जी ने कहा कि अभी तक प्रतापगढ़ में सांसद पद पर राजाओं और बाहुबलियों का ही कब्जा रहा। जनता के सहयोग से पहली बार एक सामान्य और गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति की जीत हुई है। जनता के इस विश्वास को कायम रखते हुए मैं आने वाले समय में प्रतापगढ़ की तस्वीर बदल के रख दूंगा। मतगणना केंद्र महुली से लाइव टीवी एक्सप्रेस से हरकेश चौरसिया की रिपोर्ट। जैसा कि आज आप जानते हैं, आज लोकसभा चुनाव का निर्णायक दिन है। 23 मई जितने भी प्रत्याशी हैं सबके इस समय धक कर रहा है दिल, क्योंकि इस समय चुनाव प्रक्रिया मतगणना चल रहा है और उसमें कोई प्रत्याशी कभी आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं मौजूद हूँ इस समय नवीन मंडी महुली प्रतापगढ़ में और यहाँ की जो भी काउंटिंग है उसकी पल पल की रिपोर्ट हम आपको देने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। लाइव टीवी से हरकेश चौरसिया पल पल की खबर देने के लिए आपके साथ में है। आइए देखते हैं अंदर की क्या काउंटिंग प्रक्रिया है और कितने प्रत्याशी हैं और किस नंबर पर। यहाँ पर आज भारी मतों से संगम लाल जी ने अपनी जीत दर्ज की है। लगभग 1,00,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रतापगढ़ की जनता ने आज उनको चुना है और जिस तरीके से आज उन्होंने वादे किए हैं प्रतापगढ़ की जनता से आने वाले समय में, उन्होंने बताया है कि गरीब परिवार से रहे हैं और हम प्रतापगढ़ को वो चीज़ें देने वाले हैं जो चीज़ें अभी तक के सांसद या अभी तक के प्रतिनिधियों ने नहीं दिया है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कांटे की टक्कर रही है और यहाँ पर गठबंधन उनको पीछे पीछे लग रहा है, लेकिन अंततः उनकी जो जीत दर्ज हुई वो भारी मतों से हुई है। प्रत्याशी की जीत पर कितना खुश है यहाँ के समर्थक, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार, सभासद महुली वार्ड नंबर 3। कब से हैं आप यहाँ पे? हम सुबह से हैं, आज रात में सोए नहीं है। 2 बजे से मैं जगा हूँ और यहाँ पे खड़ा हूँ 2 बजे से। आज अभी आपकी मेहनत रंग लाई है। भाजपा प्रत्याशी संगम लाल जी भारी मोहब्बत से जीते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, पूरे देश में एक संदेश गया कि अब की बार मोदी सरकार जो नारा था वो सफल हुआ और हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत जो थी वो रंग लाई। किया और उस मेहनत का रंग लाई, आने वाले समय में क्या उम्मीद है कि भाजपा क्या करेगा? आने वाले समय में सरकार इतना विकास करेगा, इतना देश का नाम ऊंचा करेगा कि अगली बार हमको वोट नहीं मांगना पड़ेगा। मोदी सरकार देश हित में कार्य कर रहा है, इससे हर कौम के लोग, हर देश के लोग एक वोट देश के नाम पे दे करके मोदी जी के हाथों को मजबूत किया है। अगर पाकिस्तान आग दिखाना चाहे तो उसके अंदर अभी तो हम विस्फोट किए हैं, अब की उसको हम नाश कर देंगे। सर, नेपाल से पहले से मांगता हूँ मैं मोदी के नाम पे मिलना है। संगम लाल जी की तरफ ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत है। संगम लाल ऐसे विधायक हमारे नहीं, अभी विधायक थे पहले ना, विधायक थे, इन्होंने ऐसा विकास किया कि इस बार हम लोगों को बहुत कम, पूरे देश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, पूरे देश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। क्या कहना है आपका? कांग्रेस ने ऐसा ब्लेम लगाया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पूरे देश में नाम कर रहे हैं कि एक मोदी मोदी मोदी, जहाँ जाइए वही मोदी। कांग्रेस ने ऐसा दुष्प्रचार किया और इतनी गाली दिया, ममता ने उनको गाली दिया थप्पड़ मारने के लिए कहा, उसी का जवाब हमारे देश की जनता ने किया। कोई जातवाद नहीं चलने पाया, ये लोग जो गठबंधन बनाए थे वो महा ठगबंधन हो गया।
देख पा रहे हैं, मैं मौली मंडी के ठीक गेट के सामने हूँ, जहाँ पर संगम लाल जी इस समय भारी मतों से जीत रहे हैं और उनको देखने के लिए यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं, वो अपने सुबह 7 बजे से आप खड़े हैं और आपकी जिस तरीके से आपको सूचना मिली है भाजपा प्रत्याशी संगम लाल जी जीत गए, कैसा लग रहा है? आपने देखा कि प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र से माननीय संगम लाल जी गुप्ता जी को भारी मतों से बहुमत हासिल हुआ है और जहां पर एनडीए पूरे देश से अपने बहुमत साबित कर रही है वहीं पर प्रतापगढ़ से इतना बड़ी बहुमत के साथ में आप हमारे साथ में हैं। हम बात करते हैं संगम लाल जी से, जैसा कि आपने अपने हर वादे को पूरा किया है विधायक रहते हुए भी, इस समय सांसद के तौर पर आप क्या करना चाहते हैं? जिस तरीके से हम 2 साल के कार्यकाल में विधायक के तौर पर हमने कार्य किया है और जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें सांसद बनाया है, उस विश्वास के साथ और जो आने वाला 50 साल यहाँ काम नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्रतापगढ़ यहाँ से अलग राजा और महाराजा ही चुने जाते थे, पहली बार एक सामान्य परिवार से संगम लाल गुप्ता चुनाव मिले और सामान्य परिवार से लोगों जनता ने विश्वास करके हमें यहाँ से चुना है, तो हम सारे विधायक और हम स्वयं मिलकर प्रतापगढ़ की एक तस्वीर बदलने का काम करेंगे। जैसे एक सवाल आपसे और करेंगे कि प्रतापगढ़ में अभी तक का यही रुझान देखने को मिला है कि जो भी सांसद चुन के आए हैं उन्होंने बड़े बड़े काम गिनाए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, आम जनता तक ऐसी कोई सुविधाएं नहीं पहुंची हैं और उम्मीद करती है जनता की पिछड़े वर्ग से अगर आप आ रहे हैं या किसी भी रूप में आपने उनके लिए क्या सोच रखा है? देखिए, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि आज़ादी के बाद से प्रतापगढ़ में सिर्फ राजा महाराजा चुने जाते हैं। जी, प्रतापगढ़ या इस मिट्टी का कोई व्यक्ति चुना नहीं जाता था और पहली बार प्रतापगढ़ की मिट्टी का कोई व्यक्ति सामान्य परिवार से चुना गया है, तो जरूर कुछ ना कुछ इस बार नया होगा। इस बार गुपचुप तरीके से जनता थी और आप भारी बहुमत से जीता है, तो प्रतापगढ़ की जनता के लिए आता है बोले? नहीं, प्रतापगढ़ की जनता के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बिल्कुल बदौलत चुनाव जीते हैं और जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुना है उस विश्वास में हम खड़े हैं। जैसा आपने सुना संगम लाल जी को, इन्होंने भारी बहुमत से जीतने के साथ साथ जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और साथ ही इन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में प्रतापगढ़ की तस्वीर बदलने वाली है। कैमरामैन मनोज के साथ में लाइव टीवी एक्सप्रेस से हरकेश चौरसिया। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।